हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये हम पढ़ेंगे। सो देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स विच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ द एंटायर पीएच स्केल। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये भी जैसे लिटमस वगैरह इंडिकेटर्स होते हैं, तो ये भी इंडिकेटर ही है कि ये एसिड सॉल्यूशन है या बेस सॉल्यूशन है। लेकिन ये एसिड और बेस बताने के साथ साथ हमें ये भी बताता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन सा स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है, या फिर कौन सा वीक एसिड है या वीक बेस है, या मतलब सारी स्ट्रेंथ इसकी बताता है। जैसे कि पीएच स्केल होता है तो वो भी स्ट्रेंथ बताता है। तो उस कलर को लाने के लिए हम कौन सा इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर को, ताकि हमें स्ट्रॉन्ग बेस पता चल जाए, एसिड पता चल जाए, सारी हमें बातें पता चल जाए कि अगर एसिड है तो स्ट्रॉन्ग है या बेस है तो कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मेन यूज़ यही होता है कि ये हमें एसिड बेसिस के साथ साथ उनकी स्ट्रेंथ भी बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, या वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। सो देखिए, इसे हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। जैसे कि पीएच वैल्यू हाइड्रोजन के ऊपर बेस थी हाइड्रोजन आयंस के ऊपर, वैसे ही ये भी हाइड्रोजन आयंस के रिस्पेक्ट में हम इसकी डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमें भी हाइड्रोजन आयंस जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा एसिड होगा, तो उसी तरह से पीएच वैल्यू बेस कलर बताएगा। अब इसका हमें जो कलर है ये हमें पता होना चाहिए कि पीएच वैल्यू पीएच स्केल की क्या क्या कलर्स होते हैं। सो अब हम लोग पीएच स्केल के कलर्स भी देखते हैं कि इसके कलर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं हमारे पीएच स्केल के जो सारे कलर्स हैं उनके नंबर वाइज हमने लिख रखे हैं। तो देखिए, जो जिसकी पीएच वैल्यू ज़ीरो होती है तो उसका हमें कलर कैसे पता चलेगा कि उसका कलर क्या है। तो हम जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर हमने डाला तो उसकी अगर उसका कलर कैसा आया, डार्क रेड आया, तो वो क्या होगा, उसकी पीएच वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक। आपको बताया था ना, जितनी कम पीएच वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाएंगे तो पीएच वैल्यू घट जाएगी। अब अगर रेड आएगा तो वन होगी, अगर एक और बार रेड है तो सेकेंड, यानी कि अगर रेड कलर आएगा तो या तो वो फर्स्ट है फिर सेकेंड है, फिर उनकी पॉइंट्स वगैरह में देखी जाती है। देन फिर ऑरेंज, जो ये सेम होते हैं वो उनकी हम लोग पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो ज़्यादा जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे ज़्यादा एसिडिक हैं तो इन दोनों इन सब की यहाँ पर आ जाती है वैल्यू। फिर ऑरेंज रेड कलर का आएगा, ऑरेंज भी होगा उसमें रेड सा मिक्सचर सा होगा कलर का, तो वो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, थ्री। ऑरेंज कलर आएगा केवल तो फोर होगी। ऑरेंज येलो आएगी, यानी ऑरेंज और येलो का मिक्सचर आएगा तो क्या होगी, उसकी पीएच वैल्यू फाइव, यानी कम एसिडिक होगा। ग्रीनिश येलो आएगा तो यानी कि सिक्स है, बहुत ही कम एसिडिक है वो। अब अगर सेवन आ गए, यानी कि ये ग्रीन कलर, ये तो आपको पता होना चाहिए, पक्की बात है। अगली सेवन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल का कलर कैसा आएगा, ग्रीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो याद ही रखना है, ग्रीन कलर। फिर एट्थ, अगर किसी का कलर ग्रीनिश ब्लू आएगा, ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर टाइप का आएगा, तो वो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, एट होगी, यानी कि वो सबसे कम बेसिक होगा, या वो सबसे कम बेसिक होगा। फिर ब्लू तो वो नाइन्थ होगी उसकी पीएच वैल्यू, नेवी ब्लू कलर आएगा तो टेन होगी, पर्पल होगा तो इलेवन आएगा, डार्क पर्पल थोड़ा डार्क कलर का आ जाएगा, पहला जो पर्पल आएगा उससे ज़्यादा डार्क जाएगा उसकी ट्वेल्व होगी, वायलेट कलर यानी पर्पल एंड वायलेट ये भी थर्टीन एंड फोर्टीन मोस्ट एसिडिक होंगे, मोस्ट बेसिक होंगे, तो इनको दोनों का कलर सेम होगा, जैसे कि ये फर्स्ट एंड सेकेंड के थे। ओके, सो ये सारे क्या थे हमारे पीएच वैल्यू के कलर्स थे, कि हमें ऐसे पता चलेगा कि कोई ज़्यादा एसिडिक है या फिर कम एसिडिक है। ओके,
तो देखिए फ्रेंड्स, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, इसे हम सॉल्यूशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिटमस को करते हैं, उसे हम पेपर की फॉर्म में भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी कर सकते हैं, उसी तरह हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को भी दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो अब जैसे कि हमसे पूछ लिया जाए कि वाटर बताइए कि क्या पीएच वैल्यू होगी वाटर की और इसका क्या कलर होगा, तो वाटर आप लोगों को पता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होगा? न्यूट्रल। तो इसका कलर क्या होगा? ग्रीन। क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अब एक ये क्वेश्चन है हमारे पास। फाइव सॉल्यूशंस ए बी सी डी एंड ई शोज पीएच ऑफ 4, 1, 11, 7 and 9। यानी कि ए 4 की शो कर रहा है, बी 1 की, सी 11 की, डी 7 की एंड ई 9 की। विच सॉल्यूशन, हमसे पूछा गया कि कौन सा सॉल्यूशन। पहला पार्ट है न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल यानी कि उसकी पीएच वैल्यू 7 हो। 7 देखते हैं किसकी है, 7 है डी की, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्यों? क्योंकि पीएच वैल्यू 7 होनी चाहिए। अब स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन होना चाहिए, यानी कि बेसिक वाले में जाना है हमें, तो यानी कि 14 के आसपास किसकी है, 14 के पास में देखिए 11 की है, तो यानी कि 11 किसकी है, सी की। इसका आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि इसकी क्या है पीएच वैल्यू 11, 14 के पास की है। फिर है स्ट्रॉन्गली एसिडिक, कौन सा स्ट्रॉन्गली एसिडिक, यानी कि 0 के पास होनी चाहिए स्टार्टिंग के नंबर्स। स्टार्टिंग के नंबर देखिए 1 है, यानी कि बी की वैल्यू, बी सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी है पीएच वैल्यू 1, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। क्यों? क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 0 से आसपास है, तो यानी कि ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। आंसर इसका क्या होगा? बी सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 1 है, और अगर 0 होती किसी की तो वो 0 वाला लिखते हम लोग। अब हम देखेंगे वीकली एसिडिक, कौन सा सॉल्यूशन वीकली एसिडिक होगा, यानी कि 7 के पास में नंबर उसका और 7 से इधर, यानी कि 7 से छोटा हो, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे 7 से। ये तो सारा, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन ये बहुत एसिडिक हो जाएगा। ये बचा है 4, यानी कि 4 किसकी है, ए की, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 आंसर होगा, ए सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी 7 से छोटी है और 1 के बाद की है, यानी कि 4 केवल। अगर इसके अलावा कोई और छोटी वैल्यू होती, यानी कि 5 हो जाती तो वो हो जाता, या 6 होती तो वो भी होता। फिर लास्ट है हमसे पूछा गया है वीकली एल्कलाइन, यानी कि 7 से जस्ट बाद का कोई नंबर हो, तो हम देखेंगे 7 के बाद फिर 9 है, इनमें से फिर 11 तो 9 के भी बाद आएगा, तो यानी कि 9 है। 9 किसकी है? ई की, तो इसका आंसर क्या होगा? ई। ये जो मैंने ये नंबर लिखे हैं इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनकी एसिडिक वैल्यू है, ये पीएच वैल्यू है। इसका आंसर क्या होगा? ई। ई क्यों होगा? क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 9 है, जस्ट 7 के बाद है। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, अब आगे की वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।